मैं बना रही हूँ साबूदाने के पापड़। तो यहाँ पे देखिए, मैं रेशियो बता देती हूँ। मैंने ये 1 कप भर के साबूदाने को भिगा लिया था 1 घंटा पहले, और ये देखिए फूल के इतने बड़े हो गए हैं ये इस तरीके से। और यही कप का मैं नाप लूंगी, पानी जाएगा इसमें 4 कप। देखिए, आप रवे के बनाओगे, मैदे के बनाओगे, चावल के बनाओगे, तो आपने इसी तरीके से ही बनाना है कि अगर आप 1 कप रवा लेते हो, या साबुदाना लेते हो, या आटा लेते हो, जो भी आप लेते हो रवा, तो ये 1 कप है। जैसे भी आपके घर में जो भी नाप होगा, तो अगर आप 1 लेते हो, तो वैसे ही आपने उसका 4 बार पानी ज़्यादा लेना चाहिए, 4 गुना पानी लोगे आप ज़्यादा। तो मैं अभी इसके अंदर पानी लगेगा हमें 4 कप, 1 कप साबुदाने में 4 कप पानी लगेगा हमें। और इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मे बी 1 टीस्पून के करीब है ये, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। 1 टीस्पून जीरा लिया हुआ है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। आप चाहो तो काली मिरी भी यूज़ कर सकते हो, काली मिरी क्रश करके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी और इजी रेसिपी है। देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, आप देखिए भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपने यूज़ करना है। तो उसके अंदर मैं ये गिन के 4 कप पानी डालूंगी। 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 कप मैं पानी डालूंगी। इसके अंदर मैं जीरा, रेड चिली फ्लेक्स और नमक डाल दूंगी। और हमें अभी करना क्या है, इसके अंदर मैं ये साबुदाना भी डाल दूंगी, और हमें इसे इतना कुक करना है, करना कुछ नहीं है, बस इसे इतना कुक करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये जो अभी व्हाइट व्हाइट हमें दिख रहा है, ये साबुदाने जो हमें व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, वो व्हाइट व्हाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। ऐसा हमें इतने मतलब स्टेज तक इसे कुक कर लेना है। पानी का रेशियो सेम ये ही रहेगा। तो चलिए इसे मैं कुक करके देन फिर आपको मैं बताती हूँ। और हाँ, आपने याद रखना है, आपने हमेशा इसको चलाते रखना है। अगर आप इसको नहीं, इसमें चम्मच नहीं मारते रहोगे, तो देन इसमें गुटली जम जाएगी, जो कि प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए इसे हमें बस लगातार चलाते रहना है। एंड देन हमें जैसे बॉईल आता है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा। यहाँ पे देखिए, अभी इसमें बॉईल आ रहा है, बट ये देखिए हमें ये अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ कुछ इसमें हो चुके हैं, कुछ कुछ बाकी है। तो हमें इसे टोटल पका लेना है। अभी इसमें देखिए, कहीं कहीं पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, और कहीं कहीं पे पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो हमें टोटल इसे ट्रांसपेरेंट होने तक कुक कर लेना है। इसको देखो, अभी 5 मिनट लगे हैं, और उसको मैंने बस चलाते ही रहना है लगातार आपने, नहीं तो ये होगा ये कि गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होते होते ही इसमें गुटली जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हमें इसे पका लेना है, और कुछ भी नहीं है, बस इसे बस पकाते रहिए। और जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, देन मैं एक प्लेट में, या फिर आप प्लास्टिक पे भी इसको, इसकी चम्मच की मदद से इसको लगा के ऐसा गोल लेयर कर सकते हो, या और देन इसको धूप में 2 से 4 दिन के लिए रख के इसका पापड़ रेडी हो जाता है। बट इसे बनाना तो बहुत आसान है, बट मेन इसका जो काम है, बस फर्स्ट हमें इसे चलाते रहना है, इसमें गुटली आने नहीं देना है, और सेकंड चीज इसे इतना कुक कर लेना है कि ये पूरा टोटल ट्रांसलूसेंट हो जाए, तो ही आपके पापड़ बहुत अच्छे बन के आएंगे। मैंने इसको 2 से 3 मरतबा बनाया है, इसीलिए मुझे पता है कि कहाँ पर क्या गलती होती है। तो मुझसे पहले हो चुकी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि नहीं, आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से कुक हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। ये भी मैं इसको ठंडा होने दूंगी, एंड देन फिर उसके बाद में मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। यहाँ पे देखिए, ये साबुदाना अच्छे से चिल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है। और यहाँ पे देखिए, अभी इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंट, सारा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और ये थिक भी हो गया है, इसमें कुछ ऐसा व्हाइट नहीं दिख रहा है। तो चलिए अभी मैं इसे क्या करूँगी, एक मैंने ये ड्राई ले ली है, इसको मैंने लाइटली ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इस तरीके से ये साबुदाना मैं फैला दूंगी पापड़ की शेप में, राउंड शेप में, बस इस तरीके से। और इसे धूप में 2 दिन के लिए, एटलीस्ट आपको 2 दिन लगेंगे इसको सुखाने के लिए। 2 दिन के बाद में देन फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसा सूखा हुआ है, और किस, लेकिन ये है कि आपने पतला रखना है। तो यहाँ पे देखिए, पापड़ अच्छे से सूख गए हैं, मेरे को ऑलमोस्ट उसको 2 दिन लगा है, 2 दिन मैंने इसको सुखा के ले लिया है। ये पापड़ बन के रेडी, अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ ये पापड़ को।
यहाँ पे देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अभी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ पापड़। ये देखिए पापड़ अच्छे से रेडी हो गए हैं।